नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो आप सबकी दुआओं और प्रार्थना से मेरा कल थर्ड ग्रेड जो अध्यापक भर्ती है उसमें साइंस मैथ से फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। और इसके साथ ही मेरा जो है सेकंड ग्रेड मैथ में भी सिलेक्शन हो रहा है और वहाँ पर भी क्या है फाइनल है, क्योंकि वहाँ पर क्या सीटें खाली गई है। तो दोनों में सिलेक्शन एक साथ हुआ है और जो एग्ज़ाम थे दोनों में उनमें क्या है मात्र 26 दिन का गैप था, ठीक है। क्योंकि जो 29 जनवरी 2023 को सेकेंड ग्रेड का जीके का पेपर था और 25 फरवरी को आपका जो है सेकंड जो थर्ड ग्रेड है उसका साइंस मैथ का एग्ज़ाम था। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे कमेंट में प्लस टेलीग्राम पर पूछ रहे हैं कि आपने दोनों को साथ में कैसे मैनेज किया, क्या हम भी ऐसे मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो देखो इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी क्या विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल जीवा स्टडी पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दें। जो भी चीज़ें मैं आपको क्या टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड होगी समय समय पर यहाँ पर है आपको अवगत कराता रहूँगा, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो देखो बात करते हैं कि क्या थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों भर्तियों को साथ में क्या तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर आप मान लो कि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो तो साथ में अगर कोई LDC वगैरह या फिर जो भी और एग्ज़ाम आ रहे हैं क्या उनकी तैयारी करूँ या इसकी करूँ या दोनों की साथ में कैसे करूँ। तो देखो सबसे मेन बात जो आती है वो ये आती है कि मैं आपको बुकलेट वगैरह सब बताऊँगा कहाँ से पढ़ना चाहिए आपको, कौन से जो है मतलब ज़्यादा कोचिंग अच्छी है, कौन से नोट्स ज़्यादा अच्छे हैं, कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी है, सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। बात हम करेंगे जो सेकंड ग्रेड या फिर इसके साथ में आप थर्ड ग्रेड या फिर कोई अदर एग्ज़ाम चलाना चाहते हो, तो देखो सबसे पहली जो मेन बात डिपेंड करती है वो आप पर खुद पर करती है, ठीक है, कि आप जो है खुद कितने तैयार हो इस चीज़ के लिए, क्या आप दो एग्ज़ाम को साथ में टेकल कर सकते हो या नहीं कर सकते। दूसरी एक सबसे मेन बात और है वो ये है कि मान लो कि सेकंड ग्रेड का जैसे मैथ से तैयारी कर रहे हो आप तो वो थोड़ा सा क्या हार्ड होता है मैथ से तैयारी करने में, आपको ये मान लो कि बाकी कोई भी तैयारी आप दूसरी साथ में नहीं कर सकते क्योंकि सेकंड ग्रेड मैथ का सिलेबस इतना ज़्यादा है। बात हम मैथ की क्यों करें, बाकी जो भी सब्जेक्ट है इंग्लिश है हिंदी है इनका जो सेकेंड ग्रेड का जो मतलब सब्जेक्ट का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि आप कुछ ही दिनों में कर लोगे, उसमें आपको टाइम भी देना पड़ता है, प्लस क्या बहुत टाइम लंबा टाइम लगता है, 6-7 महीने लग जाते हैं कोर्स को एक बार कंप्लीट करने में। तो दूसरा जो सबसे मेन बात आती है कि देखो आप दो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें से एक एग्ज़ाम जो आपका हार्ड है ना, ठीक है, जैसे सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड मैंने इस बार दोनों मेरे क्लियर हो रहे हैं, उसका कारण है कि मैंने तैयारी सिर्फ सेकेंड ग्रेड की थी, ठीक है। लेकिन जो थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम है ना दूसरा वाला एग्ज़ाम वो क्या है थोड़ा इजी लेवल का एग्ज़ाम था। इजी लेवल से मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपका पूर्व ज्ञान है यानी कि आपने जो आज तक मान लो कि आपने एक दो कंपटीशन तो पहले दिए होंगे, 2 साल से 3 साल से आप जो तैयारी कर रहे हैं उसका जो नॉलेज है आपका वो आपका फिर क्या दूसरे एग्जाम को क्लियर कराने में सहायक होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि माना कि मेरा सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था और तब मेरे क्या मुझे पता था कि कितने नंबर बन रहे हैं मेरा जो मैथ में कितने बन रहे हैं और जीके में कितने बन रहे, एक रॉ स्कोर था मेरे पास। तो जब मैं थर्ड ग्रेड का एग्जाम देने गया था तब मुझे इतना पता था कि अपना सेकंड ग्रेड में हो रहा है, ठीक है, और सेकंड ग्रेड में हो रहा है तो थर्ड ग्रेड में प्रेशर क्या हो गया जीरो हो गया और जिसकी वजह से थर्ड ग्रेड ऑटोमेटिकली आपके हाथ में आ गया। अगर इसकी जगह मैं ये करता कि मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं की हुई होती मेरी या फिर सेकंड ग्रेड का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ होता तब मेरा थर्ड ग्रेड का एग्जाम क्या इतना इजीली नहीं निकल पाता, क्यों, क्योंकि मेरे मन में यही होता कि खराब हो गया पेपर तो क्या होगा, लेकिन मेरे पास सेकंड ग्रेड ऑलरेडी मेरे को मतलब सामने क्लियर दिख रहा था, इस कारण क्या है थर्ड ग्रेड का एग्जाम ऑटोमेटिकली बिना किसी प्रेशर के आराम से क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्या है फैक्ट काम करते हैं तब जाकर आप एक से अधिक एग्जाम क्या निकाल पाते हो। लेकिन इतना मैं जो है मैंने जो एक्सपीरियंस किया अभी 2021 में मेरी बीएड हुई है, ज़्यादा दिन नहीं हुए ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो चीज़ ये है कि अगर आपका एक एग्जाम क्लियर हो रहा है ना तो उसके बाद में हो सकता है आपका दूसरा तीसरा चौथा यानी कि 2-3 एग्जाम साथ में क्लियर हो जाए। सबसे बड़ा जो रीज़न वो यही है कि आप प्रेशर से मुक्त हो जाते हो, फिर आप पर प्रेशर नहीं रहता कि इस एग्ज़ाम को अगर मैंने खराब कर दिया तो क्या होगा, तो फिर आपका जो दूसरा या तीसरा एग्जाम है वो बहुत इजीली निकलता है, ठीक है। अब अगर दो एग्जाम मान लो कि एक जो सबसे ज्यादा साइंस मैथ वालों को बता दूं कि थर्ड ग्रेड जो संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी है संस्कृत डिपार्टमेंट, ठीक है, उसमें आपकी जो वैकेंसी है वो 2024 लास्ट तक क्या है इसका एग्जाम होने के चांस बन रहे हैं। फिलहाल इसका नोटिफिकेशन भी आचार संहिता से पहले आए या नहीं आए कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन अगले साल इसका नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम दोनों हो सकते हैं, और इस अभी आचार संहिता से पहले इसका अगर नोटिफिकेशन आ गया तो भी एग्ज़ाम अगले साल ही लास्ट तक चला जाएगा, ठीक है। तो अब अगर कोई स्टूडेंट ये बोल रहा है कि थर्ड ग्रेड संस्कृत विभाग की तरफ जाऊँ या फिर सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाऊँ, तो उनको मैं हर एक वीडियो में यही बात बताता हूँ, या तो आप सेकेंड ग्रेड चुनो या फिर आप फर्स्ट ग्रेड, अगर फर्स्ट ग्रेड में योग्य नहीं हो यानी कि आपकी पीजी नहीं की हुई BMA वगैरह या MSc वगैरह नहीं की हुई तब आप सेकंड ग्रेड की तरफ जाएं, चुनना आपको इन दो में से एक है। फिर बात करें संस्कृत शिक्षा विभाग वाली वैकेंसी की तो ये आपकी ऑटोमेटिकली ही क्या प्रिपेयर होती रहेगी, क्योंकि जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम है या फिर अधीनस्थ बोर्ड के ज़्यादातर एग्जाम होते हैं ना, जो RSSB बोर्ड है इसके ज़्यादातर एग्जाम क्या होते हैं थोड़े से इस लेवल के आते हैं कि
पढ़ना नहीं पढ़ना इतना डिपेंड नहीं करता, आपने पहले क्या कर रखा है, मतलब पहले का आपका ज्ञान कैसा है उस हिसाब से आप इसको टैकल कर सकते हो। इसलिए जो थर्ड ग्रेड का या फिर कोई भी एलडीसी वगैरह का जो अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम करवा रहा है वो एग्जाम आप क्या है जो रेगुलर पढ़ रहे हो ना, बाकी कोई मान लो कि सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए जो जीके वगैरह या साइकोलॉजी वगैरह जो पढ़ रहे हो उसके साथ में जो है थर्ड ग्रेड या फिर अदर कोई एग्जाम है आरएसएसबी बोर्ड का वो आराम से आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब बात सबसे मेन आपके दिमाग में ये आती होगी कि कोचिंग कौन सी करें। ठीक है, अब मान लो कि मैं सेलेक्ट हो गया, तो मतलब मैं सेलेक्ट हो गया, अब आप क्या, बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आते हैं जैसे कि आपने क्या पढ़ा था, जीके कहाँ से पढ़ा था, सेकंड ग्रेड वाली मैथ कहाँ से पढ़ी थी, ठीक है, या फिर आप ये मान लो कि साइकोलॉजी कहाँ से पढ़ी थी, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्या मन में आते हैं, या फिर कोई स्टूडेंट है उसके मन में आते हैं कि यार दो सिलेक्शन हुए हैं तो ये कहाँ से पढ़े होंगे। तो ये मैं आपको वापस क्लियर कर देता हूँ कि माना कि मैंने वैसे कहाँ से पढ़े वो क्लियर कर देता हूँ, सेकंड ग्रेड का जो जीके है प्लस जो थर्ड ग्रेड का जीके है वो कलाम प्लस स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स से पढ़ा था मैं। ठीक है, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स से, और साइकोलॉजी भी कलाम से ही पढ़ी थी, इनकी टास्क बुकलेट प्लस इनके नोट्स पढ़े थे। अब दूसरी बात ये आती है कि अब मान लो मेरा सिलेक्शन हो गया इन दो इनको पढ़कर, अब एक स्टूडेंट बोलता है कि यार मैं कहाँ से पढूं, तो आप क्या है, मैं आपको बस इतना सजेस्ट कर सकता हूँ कि मैंने ये पढ़े तो हाँ ये सही है, लेकिन आपके मन में कोई और कोचिंग या फिर और कोई बुक है और कोई नोट्स है, आपको ये कम लग रहे हैं या कुछ ज़्यादा लग रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि आपने साइकोलॉजी में एक जो है टॉपिक पढ़ा होगा व्यक्तिक भिन्नता, तो हर एक जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है हर एक व्यक्ति में अपनी अपने अलग अलग चॉइस होती है। मेरे को अगर कलाम कोचिंग अच्छी लगती है तो हो सकता है कि दूसरे स्टूडेंट को कलाम सबसे खराब लगती है, मेरे को उत्कर्ष अगर खराब लगती है, कोई एक ऐसा भी स्टूडेंट है जिसको क्या उत्कर्ष सबसे बेस्ट लगती है, तो ये आप क्या है, मैंने कौन सी बुक से पढ़ा मैं बुक लिस्ट बताऊँ आपको तो ये इतना मायने नहीं रखती। ठीक है, मैं अगर कलाम और स्प्रिंग बोर्ड के नोट से पढ़ाऊँ तो आप उत्कर्ष या अन्य कोई बुक लेकर पढ़ोगे तो भी आप क्लियर कर सकते हो। सबसे जो मेन होता है एग्जाम क्लियर करवाने में वो होता है आपकी तैयारी, और तैयारी आपकी हमेशा होनी चाहिए ईमानदारी से। अगर मान लो कि कोई पेपर उग चुका जाए या फिर उस दिन आपके साथ ना हो, कोई साथ ना मतलब दे समय, वो अलग बात है, लेकिन ईमानदारी से अगर तैयारी करोगे आप तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ना तो बुक मायने रखती है और ना नोट्स मायने रखते हैं किसी स्पेशल या कोई स्पेसिफिक कोचिंग के, आपको जो भी चीज़ मिले वहाँ से पढ़ो। ठीक है, दो चीज़ दो जगह से मिल रहे हैं तो दो जगह से पढ़ो, एक नोट्स पढ़ो एक बुक पढ़ो, ताकि क्या है बस इतना ध्यान रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर करो। अगर आप मान लो कि कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हो जैसे एक राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हो, ठीक है, राजस्थान का एकीकरण एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया मैंने, अगर आप राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हो तो आपने मान लिया कि नोट्स पढ़ लिए कलाम के, तो उससे आप खुद को संतुष्ट ना माने और कम से कम एक सोर्स और लें, कोई भी बुक ले लें या कि अदर कोचिंग के नोट्स ले लें, ताकि कुछ कोई चीज़ मिसिंग हो रही है ना वो वापस क्लियर हो जाए। मतलब दो या तीन सोर्स से पढ़ोगे ना, आपके पास टाइम फुल है अभी, तो मैं कुल मिला के आपको यही कहना चाहता हूँ कि दो एग्ज़ाम एक साथ क्लियर होने का मतलब ये कभी भी नहीं है। अगर दो मेरे एग्ज़ाम एक साथ क्लियर हो रहे हैं सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने दोनों को साथ में चलाया था, मैंने दोनों को साथ में बिल्कुल नहीं चलाया था। ठीक है, मैंने सेकंड ग्रेड की ही तैयारी की थी मैथ की। ठीक है, अगर मेरा जो है ना ये सेकंड ग्रेड मैथ का क्लियर हो रहा था, उसकी वजह से थर्ड ग्रेड एक एज ए गिफ्ट मेरे को आराम से मिल गया, कारण कि ना तो मेरे पर कोई प्रेशर था ना कोई और पूरे में जब पहले मेरा जीके वगैरह पढ़ा हुआ था वो मेरे काम आ गया। और मैथ तो आपको पता ही एकदम सबसे लो लेवल की आती है मैथ वाले स्टूडेंट के लिए, साइंस वालों को थर्ड ग्रेड वाली मैथ हो सकता है इस बार हार्ड लगी हो, बाकी मैथ का स्टूडेंट है मैंने खुद ने 29 अटैम्प्ट किए थे और 29 के 29 सही हुए थे और एक वो डिलीट हो गया, यानी कि लगभग 30 क्वेश्चन पूरे ही सही हो गए। तो इस हिसाब से क्या अगर कोई मैथ का जो पहले का ज्ञान है ना आपके वो काम आ जाता है, क्योंकि थर्ड ग्रेड का एग्जाम का इतना लेवल नहीं होता जितना सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का होता है। तो अब आपके पास जो ऑप्शन आते हैं कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं, सेकंड ग्रेड की करूं या थर्ड ग्रेड की, तो देखो सबसे पहले आपको फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाना है अगर आपकी एमएससी एमए वगैरह हो रखी है तो। ठीक है, फिर आप सेकंड ग्रेड की तरफ जा सकते हो अगर ये नहीं हो रखी। थर्ड ग्रेड को बिल्कुल भी आप क्या प्रायोरिटी में ना रखें, दो कारण है इसके, एक तो क्या है इसकी पात्रता परीक्षा के अलावा कोई भी परीक्षा होना आसपास नज़र नहीं आ रहा क्योंकि पोस्ट इतनी खाली नहीं है। दूसरी बात है कि थर्ड ग्रेड चाहे वो संस्कृत डिपार्टमेंट वाली आने वाली है वो भर्ती हो, इसको आप अगर जो इन दो में से किसी की तैयारी कर रहे हो ना तो इसको पूर्व जो ज्ञान है ना आपका जो आज तक आपने पढ़ा है उसके आधार पर ही क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो अगर आपको अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी है तो फर्स्ट या सेकंड ग्रेड में से किसी एक ही करें, और इसकी अभ्यर्थना आरपीएससी पहुंच चुकी है और कभी भी जारी कर दी जाएगा इसका नोटिफिकेशन। तो कुल मिला के मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि बुक लिस्ट वगैरह कुछ नहीं होती है। मान लो कि आप क्या
मैंने बता दी मेरे कलाम और स्प्रिंग बोर्ड से जीके वगैरह पढ़ा था, और मैथ के लिए मैंने अलग से चैनल बना रखा है सेकेंड ग्रेड के लिए, वो कर सकते हैं। लेकिन थर्ड ग्रेड की मैथ वगैरह या सब्जेक्ट की बात करें, जो भी सब्जेक्ट आपका वो एनसीईआरटी से कवर आराम से हो जाता है। तो बुक लिस्ट देखो हर एक स्टूडेंट के अलग अलग होती है। कल को मान लो कि मैंने स्प्रिंग बोर्ड और कलाम के नोट्स पढ़े, और आप क्या उत्कर्ष या अन्य किसी कोचिंग या फिर कोई अन्य कोई पब्लिकेशन की बुक पढ़ के लग जाते हो, तो और आपकी जॉब लग जाती है, तो आप फिर दूसरे स्टूडेंट को वो भी सजेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें मतलब रोल नहीं होता इतना। हर एक आज की डेट में जो कोचिंग है, चाहे वो कोई भी कोचिंग हो, वो अच्छे से अच्छा कंटेंट या फिर नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं कुल। और जिक्के वगैरह में तो ये मायने ही नहीं रखता कि किसका ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लगभग सारा जिक्के जो है हर एक कोचिंग का अच्छा ही है। तो डिपेंड करता है आप पर खुद पर, ना तो कोई कोचिंग के नोट्स ना ही कोई बुक्स आपको क्या सिलेक्शन दिला सकती है। सिलेक्शन आपको आपका खुद का जो इंटरनल जो मोटिवेशन है ना, इंटरनल आंतरिक अभिप्रेरणा, अगर हम साइकोलॉजी में बात करें तो इंटरनल मोटिवेशन है वो ही आपको, एक मिनट ये पेन चल नहीं रहा है। तो इंटरनल मोटिवेशन है आपका, पेन बंद हो गया। तो इंटरनल मोटिवेशन से ही आप क्या है, अपने आप अंदर से अगर आपकी आवाज़ आएगी ना कि मेरे को ये करके दिखाना है, तभी आप क्या है अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका मतलब को किसी से देख लिया कि यार मेरे पड़ोस में आज एक स्टूडेंट ये लग गया, मेरे यूट्यूब पर उनके वीडियो देखता था, वो दो में सेलेक्ट हो रहे हैं, वो एक में सेलेक्ट हो रहा है, मेरे को भी लगना है। ठीक है, ऐसे अंदर से आवाज़ आनी चाहिए आपके। ठीक, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आपको मतलब आके क्या है, या आपके घर वाले आपको डांटे जोर से कि पढ़ ले वरना ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, पढ़ना या नहीं पढ़ना। बिना मन के पढ़ोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे मेन यही है कि बहुत सारे वीडियो आपको क्या है मतलब मिल रहे होंगे यूट्यूब पर कि मेरे ये रैंक आया, मेरा लेवल वन में चयन हो रहा है, क्या करूँ, मैंने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। तो मेरा तो ये मानना है कि मैंने क्या पढ़ा था वो आप पढ़ जरूर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे सिलेक्शन ही होता है। सिलेक्शन आप, मैंने अगर स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़े हैं और मेरा सिलेक्शन हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ने से किसी और का भी सिलेक्शन हो। ठीक है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि किसी अदर के जो है नोट्स पढ़ने से सिलेक्शन ना हो, उससे भी हो सकता है। बात कर जो आती है अपने खुद पर आती है, जो स्टूडेंट होता है उस पर खुद पर आती है कि वो कितने लगन से पढ़ रहा है और किस हिसाब से वो हर चीज़ को टैकल कर रहा है। ठीक, तो दो सिलेक्शन लेने का, अब जो बार बार कमेंट आ रहे हैं आपके और जो मैसेज आ रहे हैं उसका मैं बता देता हूं कि दोनों में सिलेक्शन ज़रूर हो रहा है मेरा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैंने थर्ड ग्रेड की भी तैयारी की थी और सेकंड ग्रेड की भी तैयारी की थी, ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी। ठीक, और थर्ड ग्रेड क्या, सेकंड ग्रेड क्लियर होने के कारण, क्योंकि मैथ का पेपर इतना हाई लेवल का आया था, पासिंग मार्क्स सबको पता था कट ऑफ रहने वाली है, तो इसमें मेरे को सामने दिख रहा था सिलेक्शन, तो इसका ऑटोमेटिकली हो गया क्योंकि प्रेशर नहीं था। और कुल मिला के मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो थर्ड ग्रेड का लेवल होता है, यानी कि अधीनस्थ बोर्ड के जो ज़्यादातर एग्जाम होते हैं उनका लेवल ऐसा होता है कि पीछे से आकर जो है तैयारी करने वाला भी आगे निकल जाता है। तो इस कारण क्या है, आप दो एग्ज़ाम साथ में लेकर ना चलें। आप जो आपका हायर एग्ज़ाम है जो आपको थोड़ा टफ लगता है, या फिर जैसे अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करें वो एग्ज़ाम है, तो उसको टारगेट लेकर चलें। और सबसे पहले आपका फर्स्ट ग्रेड का ही एग्ज़ाम होगा, फिर सेकंड ग्रेड होगा, थर्ड ग्रेड के नाम पर अभी अगले दो साल तक आपको कोई भर्ती देखने को नहीं मिलने वाली है, कम से कम दो साल बोल रहा हूँ। पात्रता जरूर देखने को मिल सकती है, संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती आएगी, लेकिन उसको आप टारगेट बनाकर नहीं चल सकते, क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती है वो 2024 लास्ट तक यानी कि अगस्त से पहले होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो तब तक अगर आप एक थर्ड ग्रेड जो मात्र जिसमें 2000 पद आने वाले हैं और हर एक सब्जेक्ट में क्या है साइंस मैथ के अलावा 100-150 पद आएंगे, उस भर्ती को आप एज ए टारगेट लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि सेकेंड ग्रेड में अगर 500 पोस्ट है ना किसी सब्जेक्ट की वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन थर्ड ग्रेड में 500 पोस्ट कोई मायने नहीं रखती किसी सब्जेक्ट की, क्योंकि 5-5 हज़ार में कोई मतलब नहीं है। तो 500 पोस्ट में थर्ड ग्रेड में क्या मतलब होगा। मैं खुद क्या है लास्ट के 15-20 दिन सिर्फ साइंस पढ़ के ही क्या है रेस में भी आ गया, फाइनल सिलेक्शन भी हो गया, तो एग्जाम का लेवल वो नहीं रहता थर्ड ग्रेड का कि आप एक 1.5 साल लगातार एक 2000 पोस्ट की वैकेंसी को दो और फिर आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होता, कारण कि इतना पेपर का लेवल नहीं होता। लेकिन यही अगर 1.5 साल आपने, अगर 1 साल आपने सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड को दे दी, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात है कि मैं क्या करता था, मैं पूरे दिन एक जो मैं घर से ही पढ़ाऊँ, ना मैं लाइब्रेरी गया ना मैं किसी कोचिंग में गया, तो मैं घर से ही पढ़ाऊँ। तो या फिर आप लाइब्रेरी जाते हो तो कोई गलत बात नहीं है उसमें, सबके अपने अपना होता है, कोई लाइब्रेरी में अच्छे से पढ़ सकता है कोई घर पर। तो एक बात है कि आप जहाँ बैठे हो पूरे मान लो कि लगभग आप मान लो 10-12 घंटे एक जगह बैठे रहते हो, उसमें से 5-6 घंटे तो निकालने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख दिया, ऐसा कोई मायने नहीं रखता। बस आप अपनी ईमानदारी से अगर 5-6 घंटे भी डेली निकाल ले होते ना 1 साल तक, तो भी आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं टॉप कर रहा हूँ, मेरा 2 में सिलेक्शन हो रहा है, कोई दूसरा नंबर 1 रैंक ला रहा है, तो वो बुक आप पढ़ो तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी वैसा कर पाओगे।
आपके लिए कौन से सूटेबल है। मैंने मान लिया कि आपको एक कोई भी एक नंबर मान लो कि ए बी सी डी ये पब्लिकेशन की बुक है, मैंने बोल दिया ये पढ़ो ये अच्छी है, लेकिन पता चले कि दूसरे स्टूडेंट के लिए वो अच्छी नहीं है क्योंकि उसकी मानसिक जो स्थिति है साइकोलॉजी वो अलग टाइप की है, तो उसको वो पसंद नहीं आ रही, तो जरूरी नहीं है वो एबीसी से ही सिलेक्शन ले सकता है, वो सीडीई भी पढ़ के क्या है ये वाला स्टूडेंट सिलेक्शन ले सकता है। तो सबका इंडिविजुअल होता है, कोई घर पर बैठकर अच्छा कर सकता है, कोई लाइब्रेरी जाकर अच्छा कर पाता है, तो सबका अपना है। तो मैं ऐसा आपके पास कोई भी ऐसी अफवाह नहीं फैलाऊंगा कि यही किताब पढ़नी है आपको, मैं बस आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आप ये पढ़ लो ताकि आपके थोड़ा सा क्या हो सके चांस बन सके, कारण कि मैंने वो चीजें पढ़ी है और मेरे को लगता है उनका कंटेंट अच्छा है, इसलिए मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूं। आप बाध्य नहीं है कि आपको वही चीज पढ़नी है या उसी से सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन आप क्या है मतलब जो है एनसीईआरटी की किताब पढ़कर भी ले सकते हो, और सिलेक्शन आप क्या अच्छे से अच्छे नोट्स लेकर भी नहीं ले सकते, सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरनल मोटिवेशन ही आपको सिलेक्शन दिलाता है। तो आप जो कमेंट कर रहे हैं प्लस जो आप मेरे को मतलब मैसेज कर रहे हैं कि दो सिलेक्शन कैसे लिया आपकी रणनीति बताओ, तो रणनीति कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी, सेकंड ग्रेड के साथ में क्या एक पेपर अच्छा हो जाता है तो फिर दूसरा पेपर अपने आप ही अच्छा हो जाता है। ऐसा आपके साथ भी होगा, जब आपके सिलेक्शन होने स्टार्ट होंगे तो बहुत अच्छा अलग मतलब एक दो तीन साथ में सिलेक्शन होंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो मतलब नए स्टूडेंट है वो अच्छे से तैयारी करें और जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस जो पुराने स्टूडेंट है जिनका इस बार नहीं हुआ थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड तीनों में, वो सब असफलता से दुखी ना हो, क्योंकि आपको जो है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वैकेंसी जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगी, थर्ड ग्रेड वैकेंसी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। तो आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें, मस्त आराम से पढ़ें, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप जीवा स्टडी पर जो भी कमेंट करेंगे मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। हाँ, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उसके अलावा कुछ भी आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक, और मैं जो भी आपको बताऊंगा वो सही और सटीक बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अपना कोई बिजनेस नहीं है, ना मेरा कोई ऐप है जिस पर मैं टेस्ट सीरीज बेचने वाला हूँ, ना मेरा कोई कोर्स बिकने वाला है, मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ ना मेरी कोई बुक छपती है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है जो नए स्टूडेंट हैं उनको सही गाइडेंस मिले, क्योंकि मैं खुद क्या है 2021 से बीएड की हुई है मेरी, और मैं खुद इस बार नया स्टूडेंट था, तो मैंने जो चीज़ें पढ़ी मेरे काम आई, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि इस चीज़ को देखो, बाकी आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो, ठीक है। एक बात दूसरी और बता देता हूँ कि मान लो कि एक कोचिंग है वहाँ पर 5000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक, उसमें से क्या 10 का सिलेक्शन हो गया, क्या 1% आधा परसेंट भी नहीं है ये सक्सेस रेट, ठीक है। लेकिन यही मानो कि आप खुद पढ़ रहे हो घर पर बैठ के या लाइब्रेरी में बैठकर किसी का कोर्स ले रहे हो वो अलग बात है, ठीक है, खुद पर काम कर रहे हो आप और आप एक ही हो, ठीक है, खुद में एक ही हो आप और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपकी सक्सेस रेट कितनी हुई 100% हुई, और कोचिंग की सक्सेस रेट 1% भी नहीं है। तो कोचिंगों के चक्कर में ज़्यादा ना पढ़ें, सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें, कुछ चीज़ें जैसे कोई सब्जेक्ट होता है मैथ है या फिर कोई अदर सब्जेक्ट है जैसे सेकंड ग्रेड में, वहाँ पर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, वहाँ पर कोचिंग काम भी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरे ही उन पर डिपेंडेंट हो जाओ, खुद के आइडियाज़ खुद की ट्रिक्स खुद के जो है स्किल अपने यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करें। तो दो एग्ज़ाम साथ क्लियर होने का कारण ये कभी नहीं है कि मतलब मैं दोनों एग्ज़ाम साथ लेकर चला था, थर्ड ग्रेड अपने आप ऑटोमेटिकली हो गया क्योंकि सेकंड ग्रेड अच्छा हुआ था, वैसे ही आप अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को टारगेट रखोगे तो थर्ड ग्रेड जैसे एग्जाम अगर बीच में आ भी जाते हैं तो आप उनको आसानी से क्लियर कर लोगे। और एक बार मेरे कहने पर आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर दें, बाकी मैं समय समय पर आपको क्या अवगत कराता रहूँगा। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के।